दोस्तों बहुत जल्दी स्टार प्लस पर 25 सितंबर से एक नया सीरियल शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है छूकर मेरे मन को। बता दें कि इस सीरियल में हमें अभिनेत्री स्वास्तिका घोष दीपा के रोल को निभाती हुई नजर आने वाली हैं, जिनका रोल दर्शकों को प्रोमो में ही काफी अट्रैक्टिव लगा है और दर्शक इस सीरियल में इन्हें देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, स्वास्तिका घोष से पहले भी दीपा के रोल के लिए टीवी इंडस्ट्री की कई और अभिनेत्रियां रिजेक्ट हो चुकी हैं। पर आखिर वो सभी अभिनेत्रियां कौन सी हैं और क्यों रिजेक्ट हुई, चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर एक, स्वाति राजपूत। अभिनेत्री स्वाति राजपूत को मेकर्स ने सबसे पहले अप्रोच किया था, लेकिन इन्हें सीरियल की स्क्रिप्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और जिसके चलते इन्होंने इस रोल को निभाने के लिए काफी ज्यादा आनाकानी की और मेकर्स को उनके सभी बहानों का पता लग गया था, जिसके चलते मेकर्स ने खुद ही स्वाति राजपूत को इस रोल से रिजेक्ट कर दिया। नंबर एक, शिवानी तोमर। इस प्यार को क्या नाम दो सीरियल में नजर आई अभिनेत्री शिवानी तोमर को भी मेकर्स ने दीपा के रोल के लिए अप्रोच किया था, लेकिन शिवानी तोमर ने इतनी ज्यादा हाई फीस की डिमांड की और मेकर्स का इतना बजट नहीं था, जिस वजह से मेकर्स ने शिवानी तोमर को इस रोल से रिजेक्ट कर दिया। नंबर तीन, उल्का गुप्ता। अभिनेत्री उल्का गुप्ता भी दीपा के रोल के लिए मेकर्स को एकदम परफेक्ट चॉइस लगी थी, लेकिन उल्का गुप्ता ने जब स्क्रीन टेस्ट दिया तब ये बिल्कुल भी पास नहीं हो पाई और ये दीपा के रोल को ठीक तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाई, जिसके चलते मेकर्स ने इन्हें इस रोल से रिजेक्ट कर दिया। नंबर चार, निहारिका चौकसे। फालतू सीरियल में नजर आई अभिनेत्री निहारिका चौकसे को भी मेकर्स ने दीपा के रोल के लिए अप्रोच किया था, लेकिन निहारिका चौकसे इस सीरियल की टाइमिंग चेंज करने के लिए डिमांड कर रही थी और मेकर्स इनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते थे, जिसके चलते मेकर्स ने इस रोल से ही इन्हें रिजेक्ट कर दिया। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है सीरियल में दीपा के रोल के लिए इनमें से कौन सी अभिनेत्री बेस्ट रहती, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।